अनुपमा में वनराज और बा के बीच में होगा घमासान। वनराज के लौटते ही वनराज के सामने आएगा सच कि आखिर बा ने अकेडमी में क्या तमाशा किया था। वनराज पहले ही वार्न करके जाता है कि मेरे पीछे से बापूजी को कोई कुछ नहीं कहेगा और वनराज अपने बापूजी की इंसल्ट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन बा ने जो किया है उसके बाद ने वनराज चुप नहीं बैठने वाला है। वनराज अब से बा काफी क्लोज है लेकिन वनराज अपने बापूजी की जितनी इज्जत करता है, जितनी बा की इज्जत करता है, उसके चलते हुए वनराज बहुत बड़ा फैसला लेगा। वनराज अब यहाँ पर जैसे ही आएगा लौटकर तब पता चलेगा कि अब बापूजी अपने घर ही नहीं रहते हैं, वो अब अनुपमा के साथ जा चुके हैं। और बापूजी के जिस तरह से बेइज्जती बा ने करी सब लोगों के सामने, उसके बाद वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वनराज को यकीन ही नहीं होगा कि बा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, वो भी बापूजी के खिलाफ। और बापूजी ने सारे रिश्ते बा से तोड़ दिए हैं और यह सारा इल्जाम बा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा और अनुज पर डाल देती है। लेकिन वनराज इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है कि उसने डोली के साथ में बकतमीजी करी और वो काफी परेशान हो चुका है और डोली का हिस्सा अब वापस डोली को ही देना चाहता है। अब ये बात सुलझी नहीं, उससे पहले ही बा ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि अब वनराज बा से ही अपना रिश्ता तोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, वनराज उड़ाएगा बा के होश जब वो भी अपने बापूजी की बेइज्जती के बाद बा को बुरी तरह से लताड़ लगाते नजर आएगा और कह देगा कि अब मुझे भी आपको बेटा कहने का कोई हक नहीं है, तो बा से बेटे होने का हक भी छीन लेगा और उसको अब वहाँ पर भाई अब बा को और भी ज़्यादा इस सब का भुगतान करना पड़ेगा। जब यहाँ पर काव्या भी होश उड़ा देगी और काव्या एक और झटका घर वालों को देने वाली है जल्द ही। उससे पहले वनराज और बा के बीच में काफी बड़ा घमासान होने वाला है क्योंकि बापूजी घर छोड़ देंगे और वनराज ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और बापूजी को मनाने के लिए पहुंचेगा। वहीं बा अभी भी इसका कसूर सब कुछ अनुपमा और अनुज पर ही डालने वाली है जब तक कि मामला काव्या वाला सामना नहीं आएगा, तब तक वो चुप नहीं बैठने वाली और अनुपमा को लगातार इस पर इल्जाम भुगतना पड़ेगा। तो भाई अब देखते हैं कि क्या वनराज कामयाब हो पाता है अपने बापूजी को मनाकर लाने में।